हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज नवरात्रि है, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और आज हम ग्रो करेंगे व्हीट ग्रास को। इसको गेहूं के ज्वारे भी बोलते हैं। और गेहूं के ज्वारे मैं ग्रो करूंगा एकदम न्यू मिट्टी के बर्तन में, जिसको मैंने एक घंटे पहले इस बाल्टी के अंदर भिगो दिए थे ताकि ये पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो आप भी कोई भी नया गमला लाएँ या फिर कोई भी मिट्टी का पॉट लाएं जिसमें आपको कुछ भी ग्रो करना हो, तो आप सबसे पहले इसको भिगो लें एक घंटे के लिए। तो मैं ये दो मिट्टी के बर्तन लेकर आया हूँ। तो इसके अंदर हम मिट्टी पहले फिल करेंगे। हमने अपने दोनों पॉट को मिट्टी से फिल कर लिया है। और इसमें है मिक्स रेत, यानी इसमें है बालू रेत, कोकोपीट और कंपोस्ट। अगर आपके पास ओनली बालू रेत है तो आप ओनली बालू रेत में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। और व्हीट ग्रास को ग्रो करने के लिए आपको चाहिए होंगे गेहूं। व्हीट ग्रास जब ग्रो हो जाएगी तो इसको हम जूस बना के पियेंगे। व्हीट ग्रास का जूस कई रोगों में बेनिफिट देता है, जैसे डायबिटीज़, हाई बीपी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सर्दी, पेट के रोग, पेट में छाले हो जाना, आंतों में सूजन आ जाना, मसूड़ों में खून, थायराइड, किडनी संबंधी रोग, इन सब में व्हीट ग्रास काफ़ी बेनिफिट देती है। तो हम सबसे पहले इसकी सीडलिंग करते हैं। और सीडलिंग हम करते हैं वन बाय वन पॉट में। हम गेहूं स्प्रिंकल कर देंगे सोइल के ऊपर। आज नवरात्रि के दिन मैं ये इसलिए ग्रो कर रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे एक मान्यता है कि ये ज्वारे जितने ज़्यादा ग्रो होंगे उतने ही इसको ग्रो करने वाला समृद्धि को प्राप्त करता है। अब हम इसके ऊपर सोइल से कवर कर देंगे। अभी बारिश हो रही है और मैं नेट के नीचे बैठा हूँ और नेट के नीचे हल्की हल्की फुहारें आ रही है और बारिश भी हल्की हल्की हो रही है। नवरात्रि में एक मान्यता है, ये ज्वारे जितने ज़्यादा ग्रो करेंगे इसको उगाने वाला उतनी ही ज़्यादा तरक्की करता है। तो हमने ज्वारे की कर दी है सीडलिंग, यानी व्हीट ग्रास की सीडलिंग कर दी है हमने। और इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी दे देंगे।
पानी देते समय अगर सीड दिखने भी लग जाए तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती। और जो ये सीड्स कुछ दिख रहे हैं इनको हम सोइल से फिल कर देते हैं ऊपर से। तो हमने वीट ग्रास की सीडलिंग कर दी है, मिट्टी से कवर भी कर दिया है और पानी भी दे दिया है। तो अब हम इसके ऊपर फोकस रखेंगे कि ये कब ग्रो होते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। 3 दिन बाद अब हमारे वीट ग्रास की सीडलिंग जर्मिनेट हो चुकी है और इसकी सीडलिंग 1 से 2 इंच तक हाइट में भी बढ़ चुकी है और काफ़ी सीड हमारे जर्मिनेट हो चुके हैं और काफ़ी सीड जो जर्मिनेट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं ये कब बड़े होते हैं। अब मेरे साथ बने रहिए। 5 दिन बाद हमारे वीट ग्रास की हाइट अब धीरे धीरे बढ़ रही है और इसने अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी है अच्छे से। अभी अक्टूबर में बीकानेर में बारिश हो रही है तो वीट ग्रास काफ़ी गीली है अभी और इसके ऊपर आप बूंदे भी फील कर सकते हो। यह है पानी की बूंदे। तो देखते हैं ये थोड़ी और कब तक बड़ी होती है। आप मेरे साथ बने रही है। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और हमारी वीट ग्रास ने इतनी ग्रोथ कर ली है। इस वाले पॉट के अंदर वीट ग्रास पूरी तरह से ग्रो हो चुकी है लेकिन इस वाले पॉट के अंदर अभी साइड में जगह खाली है, यानी इसमें अभी तक जो भी सीड हैं सोइल के नीचे वो अभी तक जर्मिनेट नहीं हुए हैं और वो धीरे धीरे जर्मिनेट होंगे और इनकी हाइट भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो थोड़ा और वेट करते हैं हम इनका बढ़ने का। आज नवरात्रि का 9वां दिन है और हमारी वीट ग्रास ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर ली है। 9 दिन पहले हमने इसकी सीडलिंग की थी और इस वाले पॉट के अंदर हमने ज़्यादा सीड डाले थे तो ये घना है और इस वाले पॉट के अंदर हमने कम सीड डाले थे इसलिए ये कम घना है। लेकिन अभी तक इसमें सीड है सोइल के नीचे और वो धीरे धीरे जर्मिनेट होते रहेंगे और काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है वीट ग्रास ने। और वीट ग्रास हम 2 पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, एक तो होगा धार्मिक और एक होगा हेल्थ के लिए। धार्मिक में हम ये करेंगे कि इन्हें हम उखाड़ेंगे थोड़ा सा और देवी माँ को चढ़ाएंगे। हम भगवान को इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि हम भगवान को थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने हमें ये अन्न दिया। और हेल्थ के लिए हम ये करेंगे कि हम इन वीट ग्रास का जूस निकालेंगे जो बीपी के लिए, शुगर के लिए, अल्सर के लिए, पेट के आंतों के लिए, किडनी के लिए, खून साफ करने के लिए, सभी के लिए बेनिफिट देता है। अगर आप घी का जूस पीते हैं तो थोड़ा सा यहाँ से इसको कट करके कैंची से और काट लीजिए और इसको घी के जूस के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। गिलोय की बेल डाल सकते हैं, एलोवेरा डाल सकते हैं, यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहले हम देवी माँ को चढ़ाने के लिए ये ज्वारे ले लेते हैं, उसके बाद हम इसको हार्वेस्ट करेंगे। भगवान को चढ़ाने के लिए इसको डायरेक्ट यहाँ से उखाड़ा जाता है, ना कि कैंची से काटा जाता है। ये हमने इसमें से ले लिया है
और इसमें से भी हम ले लेंगे। ये हम भगवान को चढ़ाएंगे, तो इसको हम साइड में रख देते हैं, उसके बाद हम इसको हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट करने के लिए आप कैंची का यूज़ कर सकते हैं। हमने वीट ग्रास की कटिंग कर दी है और इसको हार्वेस्ट कर लिया है, और ये अब दुगनी रफ्तार से बढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी प्लांट हो जब उसकी कटिंग की जाती है तो वो स्पीड से बढ़ते हैं वापस। तो आप भी इस तरह से वीट ग्रास को ग्रो कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को और बेहतर बना सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। थैंक यू।